तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक बहुत ही ट्रेंडिंग रील्स या एक डांस वीडियो की एडिटिंग अपने फोन से कैसे कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से गाइस। तो गाइस यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बिफोर एंड आफ्टर की फुटेज दिखाता हूँ जो हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। एंड गाइस यहाँ पर मैं वो फुटेज प्ले करता हूँ जो बिफोर का है। ओके गाइस तो ये रहा बिफोर का फुटेज एंड मैं इसे अब कर देता हूँ गाइस प्ले। तो अब देखो तो गाइस देखा आपने। और गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एडिटिंग के बाद वाला फुटेज। तो गाइस देख सकते हो ये कितना ज्यादा कूल लग रहा है। तो गाइस आप भी इस इफेक्ट को अपने रील्स की वीडियो, डांस वीडियो या किसी भी फुटेज में इंपोर्ट कर सकते हो, वो भी गाइस वन क्लिक में। इसमें आपको कोई भी की फ्रेमिंग की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल एक सिंपल मेथड है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस पहले लाइक कर दो इस वीडियो को। और अगर आप फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल, क्योंकि हम फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी वीडियो की ट्यूटोरियल्स आपको देते रहते हैं। तो गाइस चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कुछ इस तरह के ट्रेंडिंग GFX VFX वाले रील्स कैसे बना सकते हो। तो गाइस इस टाइप की वीडियो को क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नेम है गोकट। तो सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है गोकट एंड गाइस सर्च कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो गोकट एप्लीकेशन। तो गाइस आपको इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ओके तो गाइस हो सकता है ये पेड एप्लीकेशन हो, तो गाइस प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ओके एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एडिटिंग कैसे करनी है। ओके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओके तो गाइस अभी मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। और गाइस मैं आपको यहाँ पर दो चीज़ें बता देता हूँ जो आपके फुटेज के लिए बहुत ही ज़्यादा काम की हैं। ओके तो गाइस पहली बात ये कि अगर आप किसी भी फुटेज की एडिटिंग करते हो तो प्लीज़ कोशिश करना कि आपकी फुटेज जितनी HD होगी उतना अच्छा रिजल्ट आपको अपने फुटेज में मिलेगा। और गाइस आपकी फुटेज की साइज जितनी भी कम रहेगी उतना ज़्यादा खराब रिजल्ट आपको मिलेगा। तो कोशिश करना कि आप जो फुटेज एडिटिंग करो वो HD हो। ओके और गाइस रही दूसरी बात, तो गाइस आपको हो सकता है कुछ प्रीमियम फीचर ना मिले, तो प्रीमियम फीचर लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। ओके एंड गाइस इतना करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली एक स्टार्ट एडिटिंग वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इसी बटन पर क्लिक करना है। तो आप जब इस पर क्लिक करोगे गाइस उसके बाद आपको यहाँ पर आपके फुटेजेस का ऑप्शन मिल जाता है जिसे आप इंपोर्ट कर सकते हो अपनी एडिटिंग के लिए। ओके तो गाइस यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करके अपनी फुटेज को इंपोर्ट कर लेना है। तो गाइस अभी हम यहाँ पर अपने फुटेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके तो मैं वो फुटेज पर सेलेक्ट करता हूँ एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। इतना करने के बाद गाइस आपके फुटेज आपके एप्लीकेशन में हो जाएगी इंपोर्ट। ओके गाइस उसके बाद गाइस आप चाहो तो यहां पर प्ले करके देख सकते हो। मैं आपको यहां पर प्ले करके दिखा देता हूं गाइस। हालांकि यहाँ गाइस मैंने पहले इस वीडियो में प्ले कर चुका है तो इस वीडियो पर मोनेटाइजेशन भी ऑन नहीं होगा और गाइस कॉपीराइट भी आ जाएगा सॉन्ग का, तो इस वीडियो से मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। बट आपके हेल्प के लिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। ओके तो गाइस इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली VFX पर क्लिक करना है। तो गाइस VFX का ऑप्शन आपको सबसे नीचे दिख जाएगा एडिटिंग टूल्स के ऑप्शन पर, तो आपको सिंपली VFX पर क्लिक करना है। हो सकता है गाइस जब आप इसे क्लिक करो तो आपको यहाँ पर कुछ ना दिखे, जैसे अभी मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और आपको नेट कनेक्शन को ऑन ही रखना है। ओके एंड गाइस आपको फिर से बैक करना है एंड हम फिर से एक बार VFX पर क्लिक कर लेते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल गए हैं। तो गाइस यहाँ पर हो सकता है आपको तुरंत ही देखने को ना मिले ये इफेक्ट्स, तो गाइस मैं उसके लिए आपको बता दूँ आप बैक करना एंड फिर से VFX पर क्लिक करना। ऐसा 3-4 बार करना आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके एंड गाइस यहाँ पर आपको देख सकते हो कि बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे जो गाइस बहुत ही ज़्यादा कूल है। तो गाइस इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जिनके बारे में आपको अभी नहीं पता है, और गाइस अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना। तो गाइस अगर इस वीडियो पर 50 कमेंट आते हैं तो
मैं आने वाली वीडियो में बहुत चीज़ इस एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। ओके तो गैस यहाँ पर मैं अब आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको यहाँ पर सिंपली ऑल पर क्लिक करना है एंड उसके बाद गैस यहाँ पर आपको फाइंड करना है वर्क रिमिक्स। नियोन के बाद गैस ये ऑप्शन आपको मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ ये कौन से नंबर पर इफेक्ट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको 12 नंबर पर एक वर्क रिमिक्स इफेक्ट मिल जाता है। तो गैस आपको सिंपली इसे क्लिक करना है। तो गैस इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली अपने इफेक्ट पर क्लिक करके हाथ को होल्ड करके रखे रहना है। ओके तो अभी हम वही करते हैं। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो अभी आपके फुटेज पर ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। मैं आपको फिर से प्ले करके दिखाता हूँ बैक करके। ओके तो गाइस आपके फुटेज पर ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कूल ये इफेक्ट आपकी वीडियो पर लग रहा है। एंड गाइस अगर आपको लग रहा है कि आपके फुटेज पर कोई मिस्टेक हो गया है तो गाइस आप सिंपली इस पर क्लिक करो एंड आपको यहाँ पर नीचे एक डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पर आपको अंडो का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप बैक कर सकते हो। ओके एंड इतना करने के बाद गाइस आपको सिंपली ऊपर एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करना है एंड फिर आपकी जो फुटेज है वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो एडिटिंग की ट्रिक पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो एडिटिंग ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। ओके गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।